त्रिपुरा में इन दिनों एक नया विवाद चल रहा है। हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के एक मंत्री के महिला मंत्री को छूने से के बाद एक वीडियो सामने आने का विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष के मंत्री मनोज कांति देव द्वारा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इधर महिला मंत्री शांतना चकमा ने कहा है कि देव की कोई गलत भावना नहीं थी, विपक्ष की नज़रों में ही अश्लीलता है। विपक्षी वाम मोर्चा संयोजक विजन धर ने राज्य मंत्री मनोज कांति देव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्रिमंडल की एक साथी को गलत तरीके से छुआ है और अब उन्हें बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके वीडियो में यह सार्वजनिक रूप से देखा गया है कि देव ने समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री संतना चकमा की कमर पर हाथ रखा था। चकमा एक युवा आदिवासी नेता हैं। ऐसा ही वीडियो ट्वीट करते हुए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि बीजेपी से बेटियों को बचाया जाए। कुल मिलाकर यह पूरा मामला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि महिला मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि उनको मंत्री ने बुरी नीयत से नहीं छुआ था, लेकिन विपक्ष ने इसे तुल देकर बहुत बड़ा मामला बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।